Hi friends, today our topic is application of first order perturbation theory to helium atom. ठीक है, इसको first order perturbation theory भी बोल देते और helium atom for perturbation theory. इसमें first क्या है, Schrödinger wave equation for the ground state of helium atom using the first order time independent perturbation theory. ये equation है h cap psi plus E phi. ठीक है, इसमें h cap की क्या वैल्यू होती है, हाइड्रोजन एटम है जो, वो हम जीरो पे और वन पे फाइंड करेंगे उसकी एनर्जी. वन इलेक्ट्रॉन तो इसलिए ज़ीरो, पहले ग्राउंड स्टेट पे, देन हायर स्टेट इसकी एनर्जी लेवल वन पे. वेयर द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन h cap जीरो के लिए माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू न्यू डेल वन स्केयर प्लस डेल टू स्केयर माइनस ये एनर्जी की वैल्यू है जेड ई स्केयर अपॉन फोर पाई साइन नॉट इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड डेट इज थर्ड. द पर्टर्बेशन इज द इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टर्म. अब जब इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में रिपल्शन हो रही है तब एच वन कैप की वैल्यू ई स्क्वेयर अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर वन टू, इसको हम देंगे इक्वेशन फोर. आर वन एंड आर टू आर द डिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज जेड डी एंड आर वन टू इज द इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस. इसमें जैसे ये एटम है आपका हीलियम, टू इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये आर वन डिस्टेंस है, ये आर टू, जो आपस में डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वो होगा आर वन टू. ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक यूनिट एच क्रॉस इज इक्वल्स टू ई के होता है, ई किसके इक्वल होता है न्यू के, न्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वो ए नॉट के भी इक्वल होता है, ये सब वैल्यूज किसकी इक्वल होती है वन की इक्वल होती है. तो हम एच कैप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे इनकी, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू डेल वन स्केयर प्लस डेल टू स्केयर माइनस टू अपॉन आर वन प्लस टू अपॉन आर टू. टू इसमें जेड की वैल्यू पुट की है, टू जेड हीलियम एटम के लिए कितना होगा टू. एच वन कैप इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन टू. ठीक है, जीरो के लिए और वन के लिए हमने हीलियम एटम्स की एच कैप फाइंड कर लिया. एच वन कैप लेस देन होगा एच ज़ीरो से. एच ज़ीरो इज द सम ऑफ द टू वन इलेक्ट्रॉन हैमिल्टन इज द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन साई ज़ीरो आर वन और आर टू के लिए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू हाइड्रोजनिक वेव फंक्शन. इसको ऐसे लिखेंगे साई ज़ीरो आर वन आर टू, साई ज़ीरो आर वन के लिए साई ज़ीरो आर टू वेव फंक्शन आर टू के लिए. ठीक है, आर ज़ीरो साई ज़ीरो आर आई इज द वेव फंक्शन ऑफ द आईथ इलेक्ट्रॉन, ये आईथ इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन इन द हाइड्रोजनिक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका जेड डी. वैल्यूज पुट कर देंगे साई ज़ीरो आर वन आर टू में, इसमें इसकी ये आपकी वैल्यू आ गई जेड क्यूब अपॉन पाए ए नॉट क्यूब रेस टू पर वन अपॉन टू जेड ई रेस टू पर माइनस जेड आर अपॉन वन अपॉन ए नॉट. सेकेंड वाले के आर टू आ जाएगा यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारा आंसर है जेड क्यूब अपॉन पाए ई रेस टू पर माइनस जेड आर वन प्लस आर टू. द अनपर्टर्ब ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई ज़ीरो इज इक्वल टू द सम ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द टू हाइड्रोजनिक एटम. ई ज़ीरो की वैल्यू टू हाइड्रोजनिक एटम को प्लस करके आएगी माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन टू प्लस माइनस जेड स्क्वेयर, ये आपका आ गया माइनस जेड स्क्वेयर. ठीक है, ई ज़ीरो की वैल्यू आ गई. उसके बाद द फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फाइंड करनी है साई ज़ीरो एच कैप वन साई ज़ीरो, साई ज़ीरो आर वन आर टू एच कैप साई ज़ीरो आर वन आर टू डी टॉक वन डी टॉक टू. अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इसमें साई की, तो जेड सिक्स अपॉन पाई स्क्वेयर ई रेज टू पर माइनस टू जेड आर वन प्लस आर टू वन अपॉन आर वन टू डी टॉक डी.
वेयर द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स आर, जो डी टॉक वन उसकी वैल्यू क्या है, आर वन स्क्वेयर एस थीटा वन डी आर वन डी थीटा वन डी फाइव वन, डी टू की डी टॉक टू की सेम आर टू आ जाएगा थीटा टू आर टू थीटा टू फाइव टू, ठीक है। द इवेल्युएशन ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंटीग्रल इक्वेशन इलेवन इज रेदर टेडियस। अब जो इक्वेशन इलेवन है इसमें वैल्यूज पुट करी सबकी, तो ये हमारे पास आ गया 5.8 Z, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 12 दे दिया। ये पॉजिटिव है, रिपल्शन रिपल्शन एनर्जी है क्योंकि बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारे पास ई ज़ीरो की भी वैल्यू है और यहाँ पे ई वन की भी वैल्यू है, तो हम इसमें पुट कर देंगे ई ज़ीरो की क्या वैल्यू थी, ई ज़ीरो और ई ज़ीरो वन माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 5.8 Z। रेनकॉर्पोरेटिंग द ओरिजिनल यूनिट के लिए हम इस पर न्यू ई स्क्वेयर टू अपॉन टू एच क्रॉस स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -1/2 AU और -13.260 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी गेट हीलियम एटम 27.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका -74.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और AU में निकालने के लिए ये AU में आ गया इसका -2.75, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो उसकी होती है -78.986 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एग्रीमेंट बिटवीन द थोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज़ नॉट गुड। तो ये था हमारा पर्टर्बेशन फॉर हीलियम एटम के लिए, हमारी पर्टर्बेशन थ्योरी, इसको फर्स्ट ऑर्डर भी बोल देते हैं।